हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सबके साथ। और इस लेक्चर में मैं बताऊँगी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था HRM ओवरव्यू, उसमें मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क फोर्स वर्क करती है उसको मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अभी जो वर्क फोर्स को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होते हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे करते हैं, आइए उसकी स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैनेजीरियल फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शन एंड स्ट्रेटेजिक एंड एडवाइजरी फंक्शन। सबसे पहले मैनेजीरियल फंक्शंस की बात करते हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजीरियल फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जो हर मैनेजर को करने ही करने होते हैं, चाहे वो HR मैनेजर हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर एक्सेट्रा, कोई भी मैनेजर, सबको ये फंक्शंस करने ही करने होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग फंक्शन की। वॉट इज़ प्लानिंग फंक्शन? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वॉट टू डू एंड हाउ टू डू। किसी भी काम को पहले से डिसाइड करना कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग एक गैप को फिल करती है। प्लानिंग इज़ लाइक अ ब्रिज जो कि उस गैप को फिल करता है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं। प्लानिंग के बाद का फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग में हम वर्क को एम्प्लॉइज़ के बीच में बांट देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि कौन कौन क्या करेगा और एक एम्प्लॉय के वर्क का दूसरे एम्प्लॉय के वर्क के साथ में क्या रिलेशनशिप होगा। एक तरीके से ये एम्प्लॉयज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटी और उनकी अकाउंटेबिलिटी का असाइनमेंट होता है। ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन के बाद मैनेजरियल फंक्शन में नंबर 3 पर आता है डायरेक्टिंग। जो डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग का मतलब है मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्रू कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जहाँ जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत हो वहाँ पर एज अ लीडर, एज अ मोटिवेटर उनको डायरेक्ट करना सो दैट एम्प्लॉयज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, डायरेक्टिंग फंक्शन है। दैट इज़ वेरी क्रूशियल फंक्शन। डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग फंक्शन आता है, मैनेजरियल फंक्शन है। इस कंट्रोलिंग मीन्स टू चेक द एरर्स एंड टू टेक द करेक्टिव एक्शन। जब भी हम कोई काम करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो उसे टाइम टू टाइम चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ गलत जा रही है, हम एकदम लास्ट में जाकर उसको चेक करेंगे या लास्ट में पता चलेगा, तो फिर उसको रिकवर करना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में उसकी चेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस चेक करने के बाद में अगर कोई गलती या कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैनेजीरियल फंक्शंस के बाद में आते हैं ऑपरेटिव फंक्शन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसके जो ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं वो होते हैं उसकी डे टू डे वर्किंग लाइफ के फंक्शन। और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के कोर फंक्शन हैं जो कि उसको और मैनेजर से डिफरेंशिएट करते हैं। ये फंक्शंस क्या है, इनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्रक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। ये 5 फंक्शन हैं जो कि ऑपरेटिव फंक्शंस के दायरे में आते हैं। अब ये प्रक्यूरमेंट क्या होता है? प्रक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को पाना, अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग। तो प्रक्यूरमेंट में हमें क्या चाहिए? एक HR मैनेजर को चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को पूरा करने के लिए, वर्क फोर्स एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, तो उसके जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए किन किन प्रोसेसेस के थ्रू हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, वो सारी चीज़ें प्रक्यूरमेंट फंक्शन के अंदर आती हैं। जैसे कि HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। तो प्रक्यूरमेंट का जो पहला फंक्शन है HR प्लानिंग,
उसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। तो हमने पहले ही बात की है कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, तो डिज़ायर्ड ह्यूमन रिसोर्स को पाने के लिए भी हम सबसे पहले प्लानिंग ही करेंगे, और हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कब चाहिए, किस किस समय पर चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। अब एचआर प्लानिंग के बाद में आती है हमारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट जो होता है उसका मतलब होता है कैंडिडेट्स के एक पूल को कंपनी में जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उसे फिल करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करना। इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट के बाद की प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट में जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है उसमें एचआर मैनेजर कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग जॉब को पोस्ट करते हैं, कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होते हैं वो अप्लाई करते हैं, उनके कुछ सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं और फिर फाइनल करके उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। बस यहीं तक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, जो कि सिलेक्शन से पहले का स्टेप है। तो प्रक्यूरमेंट के फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद में रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के बाद में आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है कि जब हम फाइनल इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें से किसी ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना जो कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्किल रख रहा हो, प्रॉपर क्वालिफिकेशन रख रहा हो, उसको हम सिलेक्शन कहते हैं, जिसमें कि हम एक कैंडिडेट को चुनते हैं और बाकी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। दैट्स वाई ये एक निगेटिव प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि इसमें सेलेक्शन की बजाय रिजेक्शन ज़्यादा होता है। सेलेक्शन के बाद में प्लेसमेंट की प्रोसेस आती है प्रोक्यूरमेंट के अंदर, और ये प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे एक्चुअल उसकी जॉब पर प्लेस करना प्लेसमेंट कहलाता है। और प्लेसमेंट के फंक्शन के बाद में आता है इंडक्शन का फंक्शन। जो इंडक्शन है इज़ अ टेक्निक इन विच अ न्यू एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस्ड टू द पर्पस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन वो टेक्निक होती है जिसमें के जो नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए जो कंपनी है उसके वर्क प्रोसीजर्स, उसके एथिक्स, उसके वैल्यूज, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज और जो उस एम्प्लॉय को वर्क करना है उसके बारे में उसको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, आइडिया दिया जाता है सो दैट वो कंफर्टेबल महसूस करे और आगे की अपनी आगे के वर्क को स्मूथली शुरू कर सके। ऑपरेटिव फंक्शंस में प्रोक्यूरमेंट के फंक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शन की। जो डेवलपमेंट है उसके अंडर में ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, सक्सेशन प्लानिंग आदि आते हैं। जब हम किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लेस कर देते हैं, उसका इंडक्शन प्रोग्राम भी हो जाता है और वो अपनी वर्किंग शुरू कर देता है, तो टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो एचआर मैनेजर का काम होता है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनकी करियर को प्लान करना जिससे कि वो अपने करियर को एक सही दिशा दे पाएँ, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना जिससे कि एम्प्लॉयज़ को अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चले, उनको प्रॉपर रिवॉर्ड्स देना, एम्प्लॉय का रिकग्निशन करना, ये सब कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर में ही आता है। पोटेंशियल अप्रेजल करना जिससे कि पता चले कि किस एम्प्लॉय में इतना पोटेंशियल है कि वो आगे हायर पोजीशंस को फिल कर सकता है। उसके बाद में सक्सेशन प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अ प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज। डेवलपमेंट के बाद में कंपनसेशन एंड मोटिवेशन का फंक्शन आता है, जिसमें कि कंपनसेशन का मैनेजमेंट किया जाता है, इंसेंटिव बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्क शेड्यूलिंग करना, जॉब डिज़ाइन करना, ये सब कंपनसेशन एंड मोटिवेशन फंक्शन के अंडर में आते हैं।
कोई भी एम्प्लॉई जॉब करता है उसके बदले में उसको कंपनसेशन चाहिए होता है, उसकी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसको कंपनसेशन चाहिए होता है, अलग अलग नीड्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है उनको। मोटिवेशन वो किसी भी रूप में हो सकता है, एम्प्लॉय की रिकग्निशन के रूप में हो सकता है, उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स के रूप में हो सकता है, कुछ इंसेंटिव्स हो सकते हैं, उसकी जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो मोटिवेटेड रहे, ये सब कुछ कंपनसेशन एंड मोटिवेशन के अंडर में आते हैं और ये HR मैनेजर के ऑपरेटिव फंक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंपनसेशन एंड मोटिवेशन फंक्शन के बाद में आता है आपका मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर उनकी हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर का ध्यान रखेंगे तो एम्प्लॉय कंपनी में अच्छे से मेंटेन हो पाएंगे, हम एम्प्लॉयज़ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और एम्प्लॉय एफिशिएंट वे में काम कर पाएंगे सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव इफेक्टिव वे में हो पाएंगे। मेंटेनेंस फंक्शन के बाद में इंटीग्रेशन का फंक्शन आता है। जो इंटीग्रेशन का फंक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एक करना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के फंक्शन के रूप में इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो उसका काम होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स, टीम और टीम वर्क और जो ट्रेड यूनियंस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, उन सबको अच्छे से मैनेज करना, एक उनके अंदर टीम अप्रोच की भावना जगाना जिससे कि वो सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, क्लैशेस कम से कम हो सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बना रहे और डिसिप्लिन बना रहे, एक दूसरे को एम्पावर करें। ये सब कुछ इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के और दिस इज़ द फाइनल फंक्शन ऑफ अंडर द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसके बाद में आपके आते हैं स्ट्रैटेजिक एंड एडवाइजरी फंक्शन। जो स्ट्रैटेजिक एंड एडवाइजरी फंक्शन होता है वो आपका दो लेवल पर होता है, एट टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एट द डिपार्टमेंटल लेवल। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो एज अ एडवाइज़र वर्क करता है, वो समय समय पर टॉप लेवल के मैनेजर को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सलाह देता रहता है उसकी पॉलिसी प्रोसीजर्स के बारे में, और डिपार्टमेंटल लेवल पर भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को वो सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं जिससे कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्मूथ उनकी जो ऑपरेशन है वो स्मूथली रन कर सकें। स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो इसमें टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ मिलकर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये थे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के फंक्शन जिनको कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। अच्छे से अब हम समझ गए होंगे और आई होप मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इन जो फंक्शंस हैं उनको इंडिविजुअली मैं अलग अलग वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगी सो दैट आप इसको और भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोज़ के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।